वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन, दिस इज गौरव कुमार, यू आर वॉचिंग एक्वा लाइफ। सो आज हम बात करने वाले हैं हीटर के ऊपर। सो हीटर के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसे हीटर के ऊपर वीडियो नहीं देखा वो जाके आई बटन पे जरूर देखें, मैं उसमें हीटर रिव्यू डाल चुका हूँ। सो आज ये 3 फीट का टैंक जो है, 3 फीट बाई 20 इंचेस का जो टैंक है, 20 इंचेस बाई 20 इंचेस बाई 3 फीट का जो टैंक है, इसमें मैं कौन कितने वाट का हीटर यूज़ करने वाला हूँ, उसी का अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाला है। तो मेक श्योर वीडियो को जरूर एंड तक देखें, और कुछ टिप्स मैं जरूर दूंगा कि आपको हीटर कैसे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों क्या होता है, हीटर को ब्रेक हो जाता है, याद नहीं चलता। जैसे कि ये टैंक मैं 2 साल से हीटर यूज़ कर रहा हूँ, वो भी ग्लास हीटर ही है, अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। नीचे भी टैंक जो मेरा है, जैसे आप देख सकते हैं, नीचे जो मेरा टैंक है, इस टैंक में भी मैं फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ, और इस टैंक का भी अभी तक हीटर को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप वीडियो जरूर को देखें, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से मिले, क्योंकि आप जानते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है वो हीटर, और आप देख सकते हैं ये जो हीटर है, ये RS इलेक्ट्रिकल का हीटर है। और इस हीटर का सबसे पहले बात कर ले तो ये RS 200 वाट का हीटर है, आप देख सकते हैं। सो नॉर्मल अगर देखा जाए तो, अगर आपको प्राइसिंग का बात किया है, सबसे पहले अगर मैं प्राइसिंग का बात करता हूँ, तो अगर आप हीटर जो है अगर 100 वाट से लेकर 200 वाट तक लेते हैं, तो आपका सेम प्राइस ही पड़ने वाला है। इस हीटर का प्राइस 200 रुपीज़ है। अगर आप कहीं आपके एरिया में, हो सकता है इसका दाम फ्लक्चुएट कर सकते हैं, और ऑनलाइन में भी प्राइस अलग होते हैं। तो आप ये कभी मत सोचे कि अगर मेरे अगर 200 रुपीज़ लगे तो आपको भी 200 लगने वाला, आपको कम भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है। तो बेसिकली यही बोलना चाहता हूँ कि ये वैरी करता है स्टेट टू स्टेट, और अगर आप चाहें तो ऑनलाइन से परचेस कर सकते हैं। मैं फ्लिपकार्ट का लिंक या अमेजन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो ये जो हीटर है, अगर आप 2 फीट का टैंक है, ये 3 फीट का टैंक है, नॉट 2 फीट, 2 फीट के लिए 150 यूज़ करें या 100 वाट का यूज़ करें, लेकिन अगर 3 फीट का टैंक है तो आप 200 वाट यूज़ ज़रूर करें। जैसे कि मेरा आप देख सकते, सेकंड जो टैंक था जिसमें पैरट फिश है, वो मेरा 2.5 फीट का टैंक है, तो उसमें मैं 150 वाट का हीटर यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरा 3 फीट का टैंक है बाई 20 इंच, इसका अगर बोला जाए कैपेसिटी वाटर, इसमें 300 लीटर्स का कैपेसिटी है, तो इसीलिए मैं इसमें 200 वाट का हीटर यूज़ किया हूँ। तो अब मैं देख लेता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। बेसिकली देखा जाए तो अगर आप RS इलेक्ट्रिकल का हीटर खरीदना चाहते हैं, तो आपको करीब 300 वाट तक को ईजिली मिल जाएंगे हीटर। तो सबसे पहले अगर इसको हम बाहर निकालें, तो सबसे पहले आपको ये हीटर मिल जाते हैं, देख सकते हैं। और इस हीटर में आपको एक सेफ्टी कैप मिल जाता है, जिसके वजह से अगर ये कभी आपको ग्रेवल में लगे तो ये क्रैक नहीं खाए। दूसरा, आप इसको होल्डर मिलता है, जिसमें ग्लास में स्टिक कर सकते हैं। ग्लास में स्टिक करने के लिए आप इसको ऐसे लगा सकते हैं यहाँ से, अगर ये डायरेक्ट ना लगता हो तो, क्योंकि अभी ये न्यू है तो अभी थोड़ा ये हार्ड हुआ है, देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि ये जो हीटर का जो ये कैप होते हैं ना, कितने लोग क्या करते हैं, इस कॉइल के ऊपर लगा देते हैं, यहाँ लगाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, आप यहाँ पर इनका क्रैक रहता है ग्लास। तो आप मेक श्योर करें ये कभी भी ये कैप जो, ये होल्डर जो है, आप कॉइल के पास ना लगाएं, आप यहाँ लगाएं, इसको हमेशा कॉइल से ऊपर ही रखें और इसको यहाँ रखें। और अगर बात किया जाए टेम्परेचर का, तो अगर आपके पास शिकलेट फिश है या पैरट फिश है, या आप बोल सकते हैं ऑस्कर है, तो आप उसका टेम्परेचर जो है 26 से 30 डिग्री सेल्सियस जरूर रखें, उससे ज़्यादा ना रखें, क्योंकि ये सब फिशेज जो ट्रॉपिकल फिशेज है, और आपको यही टेम्परेचर उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। और अगर बात किया जाता है कि अगर दूसरे फिश से गोल्ड फिश होते हैं ये मेरे पास, या फिर कोई और फिश, तो वो लोग अगर 26 भी रहते हैं या 25 रहते हैं तो चलता है, लेकिन गर्मी के सीज़न में तो आप, मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप हीटर यूज़ ना करें फॉर गोल्ड फिश। लेकिन अगर आप शिकलेट है, आपके पास पैरट फिश है, अगर पास आपके पास ऑस्कर या फ्लावर हो, तो आप उसके लिए तो टैंक 24x7 बोल सकता हूँ, हमेशा हीटर लगता ही लगता है। और आप इसका टेम्परेचर जो होता है 26, तो ये मत सोचिएगा कि ये 26 है तो 26 रहने वाला, आप टेम्परेचर ज़रूर चेक करें एक थर्मोमीटर के ज़रिए, जिसके वजह से आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ इसका टेम्परेचर फिक्स है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, अब इस हीटर को इंस्टॉल करता हूँ अपने टैंक में और दिखाता हूँ कि यह कैसे वर्क कर रहा है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा हीटर इंस्टॉल हो चुका है, और आप जब भी हीटर इंस्टॉल करें एक एंगल में इंस्टॉल करें, इससे क्या होगा, आपका हीटर क्रैक नहीं करेगा। सो बस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। चलिए तब तक के लिए।